वलकत बवना बनी इसरो और हमने अता फरमाया बनी इसराइल को बेहतरीन ठिकाना व रजना हम मिनत तो ये बात और उनको हमने बेहतरीन रिस्क दिया अपनी पाकिज़ा चीज़ों में से पहले तो उन्हें मनोसलवा दिया सराय में जो भटकते रहे उसके बाद अल्लाह तला ने शाम की सरजमीन भी उनको दे दी और वहाँ पर वो आबाद हुए वो ज़रखेज़ सरजमीन है आज तक फमखत लेकिन फिर भी उन्होंने अख्तलाफ किया बाद में हता जाम यहाँ तक कि उनके पास हकीकत का इल्म आ गया यानी रसुल्ला की मुबारक ज़ात आ गई कुरान आ गया जिन बातों में वो झगड़ते थे उसका सलूशन आ गया इससे पहले ईसा ईसीबन मरियम आए लेकिन ये बदबक़्त ऐसे थे इन्होंने ईसा साबन मरियम का भी इनकार किया हालांकि वो ख़ुद यहूदी नसल बनी इसराइल में से थे के केस में तो उन्हें गिला था ना ये बनु इसमाइल में क्यों आए जो बनु इसराइल में से आए उनको भी इन्होंने कबूल नहीं किया इन्ना फी मा कानू फी ही बेशक तेरा रब फैसला कर देगा क्यामत के दिन इनके दरम्यान हर उस बात का जो दुनिया में इख्तलाफ किया करते थे लेकिन उस फैसले का फायदा कोई नहीं होना किसी को कि किसी को मौका मिल जाए कि जी अब आप दुनिया में आप वापस चले जाए और सर इस दफा जरा सोच समझ के आना नहीं ये अक्सर लोग आपको कहते हैं ना और जी आगे जाके पता लगेगा कौन ठीक है कौन गलत सरकार आगे जाके पता नहीं लगेगा लग पता जाएगा अगर गुलाम का दज्जाल के मानने वालों को क्यामत के दिन ये पता चला कि ये फ्रेब करता रहा हमारे साथ तो क्या क्यामत के दिन इस इख्तलाफ का फ़ैसला होना आपको फ़ायदा पहुंचाएगा क्या आप दुनिया में वापस आ जाए और माज के साथ आप सिर्फ कादानियों तक ना रहे बाकी भी हर फिर अपने ऊपर गौर करें कि मैं अपने मरने से पहले कुरान और सुन्नत के दिलल की रोशनी में देखूं कि मेरी कौन सी बात वही है इलाही के मुताबिक है जो कुरान और सुन्नत की शक्ल में उस शख्स पे नाजिल हुई जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौन सी बातें जो हैं वो मिथ्स मशहूर हैं फिरकों की तालीमत हैं जो चल रही हैं उनका कुरान सुनने से कोई ताल्लुक नहीं है अब यह कहना कि आखिरत में जाके पता चल जाएगा तो उसका तो कोई फायदा नहीं है फायदा मुझे तब है मुझे दुनिया में पता चले कि क्या हक है और क्या बातिल क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं ना आ सकता वो तो कुरान में कई जगह है कि लोग कहेंगे कि अल्लाह हमें एक दफा दुनिया में वापिस भेज दे हम तेरे नबियों के तरीके के मुताबिक चलेंगे लेकिन अल्लाह तरफ हरमाएगा बस वो एक ही चांस था दोबारा होना ही नहीं ऐसा फ इन कुंता फी शक की मिम्मा अनजल इलेक तो ए नबी अगर आपको शक हो उसके मतलब जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया जहर रसुल्ला को तो कोई शक नहीं था लेकिन आपको मुखातिब करके बेसिकली आपके मुखालफी से ये बात की जा रही है कि अगर तुम्हें शक है ना कि इस नबी की तरफ जो कुरान नाजिल हुआ है ये इन्होंने खुद घड़ लिया है या नाउदबिल्ला इन्होंने झूठा दावे नबूत की है और ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है ममा अनजल नईक जो हमने नाजिल किया है नबी तुम्हारी तरफ फस अदीन या क्राउन अल्किताब अन कब्लिक तो उनसे ज़रा दरियाफ्त कर लें जो आपसे पहले किताब के जानने वाले हैं पढ़ने वाले हैं हर आने वाले पैगम्बर की जो पेश गोईया हैं ना वह उससे पहले वाले पैगम्बर की किताबों में तालीमत में मौजूद होती हैं कुरान में है ना कि ईसाब अपने मरियम ने कहा था कि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें अपने बाद उस नबी की बिशारत दे रहा हूं कि जिनका नाम अहमद होगा सूर्य असफ़ के अंदर तो हर पैगंबर अपने बाद आने वाले पैगंबर की पेश गोई करता है यह अल्लाह का रूल है तो अल्लाह तला फरमा रहा है कि अहल किताब ज्यूज और क्रिश्चन्स और स्पेसिफिकली यहूदी ज्यूज अगर तुम्हें कोई शक है इस हवाले से तो जो तुम्हारे किताबें पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें पूछ के देख लो क्या तुम्हारी किताबों के अंदर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयां मौजूद नहीं हैं तो यकीन मौजूद थी लक़द जा अकल हक को मब्बिक तो बेशक एनबी आपके पास आपके रब की तरफ से हक आ चुका है सच्चाई आ चुकी है पर्पजफुल किताब बासद किताब आ चुकी है फ़ला तक मिनल मुमतरीन तो आपने शक वालों में शामिल नहीं होना और आपके जरिए बेसिकली आपके साथियों को और आपके मुखालफी को बताया जा रहा है कि आपने सच्चाई पर कायम रहना है बिला शुबा ये अल्लाह के पैगम्बर हैं ये किताब अल्लाह की तरफ से है वाला तक मिनल करबू बयात और हरगिज़ उन लोगों में शामिल ना होना जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया फतकून अमिन सीरीन और वह हो गए खसारा पाने वालों में से